ये हैं हमारे बाबा जिनका नाम है श्री बंसी भट्टानंद जी महाराज। देवी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ मन लगता है। और जमुना मैया किनारे पर तो उन्होंने यहीं आकर के शरीर छोड़ा, जब यहीं इसी स्थान पे शरीर छोड़ा हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज आए हुए हैं भद्रवन, यानी हमारे गांव के पास ही कुछ ही दूरी पर एक गांव है भद्रवन। तो आज हम यहां पर किस लिए आए हैं, तो आज है यहां पर यानी भंडारा, हम प्रसाद पाने के लिए आए हुए हैं। हमारे बाबा हैं यहाँ पर श्री बंसी भट्टानंद जी महाराज, उन्होंने हमारे पास कॉल किया था, कई दिन पहले भी किया था और आज भी कॉल किया कई बार। तो मैं कुछ टाइम काम में बिजी था थोड़ा, इसलिए लेट हो गया थोड़ा मैं। और इतनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको अपने महाराज जी से भी मिलाऊँगा। चलिए चलते हैं यहीं के पास में। भैया हम आज कहाँ पर हैं आप बताइए? भद्रवन में। देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? देवी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये आज भंडारा हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब? ये हमारे एक भंडारी बाबा थे जी, उनको देहांत है, वो बाकी कारण है। अच्छा, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अच्छे महात्मा, बहुत पुराने महात्मा आए। क्या नाम था उनका? भंडारी चंद्र भंडारी। अच्छा अच्छा हाँ, चलिए ठीक है। तो भाइयों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पेड़ है एक, बता रहे हैं कम से कम 500 वर्ष पुराना है ये पेड़, बता रहे हैं 500 वर्ष पुराना, कम से कम 500 वर्ष पुराना ये पेड़। अभी आपको दिखाता हूँ उधर साइड में जाके, और अभी आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद चलिए फिर दिखाता हूँ मैं। साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर साइड में हमारी यमुना मैया हैं, तो इसी मंदिर के पास हैं ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मंदिर है काफ़ी भव्य, यहाँ पे विशाल भंडारा हो रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। राधे राधे दोस्तों, अभी आपको मैं मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। ये है मंदिर, ये देखिए हमारे साधु संत यहाँ पर कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। तो आज हम भद्रवन में आए हुए हैं और यहाँ पे विशाल भंडारा हो रहा है, तो आप बता सकते हैं ये किसके उपलक्ष्य में हो रहा है? ये मैया का प्राचीन मंदिर है, पथवारी मंदिर जी। और ये आसपास के जो गांव हैं, रौली है, भद्रवन है, बिंदपुर है, हिंडोल है, और ये सब पल्ली पार बसे हुए गाँव, ये सब आते हैं इसी के अंतर्गत। ये यहाँ की प्राचीन देवी पथवारी का मंदिर है। यहाँ पर एक मेहनती जी रहा करते थे, तो वो यहाँ से चले गए थे, फिर कुछ समय बाद वो आ गए, जाने की कुछ हालत उनकी अवस्था ऐसी थी, तो उन्होंने यहीं आकर के शरीर छोड़ा। जब यहीं इसी स्थान पर शरीर छोड़ा, तो इसलिए उन्हीं के उसमें ये 16 दिन जो ब्राह्मण के होते हैं, आम इंसान के 12-13 किए जाते हैं, ये विशाल भंडारा रखा गया है उनकी उसमें। यहाँ पर रहते हैं जो भी, मतलब या कि बाबा या महाराज जी जो भी, तो उनका क्या नाम है? ये महाराज हैं यहाँ पे, ये श्री भट्टानंद जी महाराज, श्री भट्टानंद जी महाराज अभी थोड़ा गए हुए हैं मार्केट, ये यहाँ पे मंदिर पर रहते हैं श्री महाराज जी हमारे। अब यही तो उन्होंने शरीर छोड़ा था, इसलिए उनकी उसमें ये प्रसादी चल रही है, भोजन प्रसादी। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं बंसी भट्टानंद जी महाराज आने वाले, उनसे भी आपको मुलाकात कराएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पब्लिक संख्या आई हुई है यहाँ पर,
और अभी उधर साइड में भंडारा हो रहा है, वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ के, पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे गांव के साथी हैं, इसी अपने मंदिर पर आए हैं हम भंडारे में। हमने श्री वंशीवटानंद महाराज जी ने हमको बुलाया है, कई बार फ़ोन किया था, कुछ काम में व्यस्त भी थे हम, तो उसके बाद थोड़ा लेट हो गए, तो अभी आए हुए हैं। तो अभी यहां पे वंशीवटानंद महाराज जी आने वाले हैं, तो उनसे भी आपको मिलाएंगे। चलिए राधे राधे। तो साथियों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा हो रहा है काफ़ी अच्छा, मतलब अभी तो मैं थोड़ा लेट आया था, जितनी भी मतलब तो ये हैं हमारे बाबा जिनका नाम है श्री वंशीवटानंद जी महाराज। तो बाबा आपके आज के बारे में कुछ बताइए, आज क्या हो रहा है, क्या है यहाँ के बारे में? भंडारी बाबा से उनका शरीर में हमारे पास हुआ, भंडारा किया गया है। यहाँ पे कुछ भक्तजन बैठे हुए हैं, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बोलो गुरु महाराज की जय। तो ये हमारे भक्तजन हाथरस से आए हुए हैं, तो आज के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, ये हमारे आश्रम के महात्मा हैं, बहुत अच्छे संत हैं जी, छत्तीसगढ़ स्वामी गणानी महाराज के शिष्य हैं। हम उस आश्रम में जाते हैं बहुत दिन से। अच्छा जी। हमको पता चला महाराज यहाँ रह रहे हैं कुछ साल से। अच्छा, महाराज के सानिध्य में यहीं आते हैं। श्री वंशीवटानंद महाराज जिनके एक बार और दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। भगवान की जय। बाहर से अंदर आए हुए हैं, तो हमको यहाँ पर हमारे महाराज जी मिले हैं, तो उनसे आपको मुलाकात कराता हूँ, मैं उनसे परिचय दिलाता हूँ मैं आपको। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ पर किस जगह पर रहो आज? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, अभी मैं फिलहाल अलीगढ़ कुटिया है हमारी जी, अलीगढ़ में ही कुटिया है जी, जी गंगा किनारे वहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा। आप वंशीवटानंद महाराज जी को जानते हो? हाँ जानते। जी कब से जानते हो? करीब 5-6 साल से जानते हैं। 5-6 साल से। तो यहाँ के बारे में कुछ जानते हो, यहाँ के बारे में पहले कभी आप? मैं एक बार आया था जी, करीब 20 दिन पहले। अच्छा जी। एक मलखान जी हैं आपके गांव के, उन्होंने बताया था हमारे गांव में स्थान है और आपको पसंद आए तो यहाँ रहिए, हम आए थे तो 2-3 दिन रुके चले गए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो महाराज जी आप कहाँ से आए हुए हो और आपका नाम क्या है, ये सारा कुछ आप हमें बताइए प्लीज़। मैं हिमाचल से आया हूँ। हिमाचल से। महाराज जी गुप्ता। अच्छा, इनके साथ आए हुए हो जी? इनके साथ इन्होंने कहा कि चलो वहाँ भंडारा है जी, चलो उधर से घूमते फिरते निकलेंगे। अच्छा, ये स्थान बड़ा ही मतलब तपस्थली है, महापुरुषों की रमणीय स्थल है, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ मन लगता है। और जमुना मैया किनारे पर ध्यान करिए, भजन करिए, साधना करिए अपना मस्त भजन, बहुत अच्छी जगह है कुल मिलाकर। हरिओम। राधे राधे।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि श्री बंसी बटानंद महाराज जी थे, ये मेरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं और इन्होंने मेरे पास कई बार कॉल की थी कि धर्मराज जी आओ आप यहाँ पर वीडियो शूट करो, तो कुछ काम में व्यस्त था तो आज आने का मतलब बिल्कुल ही मतलब टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर कई बार फ़ोन किए मेरे पास, कई बार फ़ोन किए, उसके बाद मैंने फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं था तो पावर बैंक भी मैं साथ लाया था, साथ में पावर बैंक से मैंने फ़ोन चार्ज किया और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर आए तो मैंने वीडियो शूट किया था। बाबा बोल रहे कि हमारे मंदिर की एक बार वीडियो शूट करो, और काफ़ी टाइम से भी मेरे को बोल रहे थे कि एक बार वीडियो हमारे मंदिर की शूट करो, तो मैं कर नहीं पाया था। तो मैंने सोचा आज चले जाता हूँ और बाबा काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे तो आज गया। तो हमारे जो महाराज जी हैं बंसी बटानंद जी महाराज, ये काफ़ी अच्छे हैं और मैं इनको काफ़ी दिन से भी जानता हूँ और बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं, हमको कहानी भी सुनाते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी, हमका मतलब आगे सक्सेस होने की स्टोरी सुनाते हैं कि आप इस तरीके से काम करो, बहुत सारा कुछ बताते हैं। और यहाँ पे भंडारे में कितने लोग आए हुए थे मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ के लोग बता रहे थे 5-6 हज़ार प्रसाद पा चुके हैं यहाँ पर, और अभी आ भी रहे थे और मैं थोड़ा लेट गया था, मैं आपको बताया ना कुछ काम में व्यस्त था इसलिए थोड़ा मैं लेट भी गया था। तो बाकी बाबा बहुत अच्छे हैं हमारे बंसी बटानंद जी महाराज, और मैंने साधु संत के आपको दर्शन कराए इस वीडियो में, और जितने भी मतलब प्रसाद पा रहे थे उनका भी वीडियो मैंने आपको दिखाया। तो पब्लिक हमको नहीं मिल पाई इतनी ज़्यादा कि मतलब पहले थी, मतलब मैं करीब ऐसे कोई 3 बजे करीब मैं आया था इस पर, तो आपको पता ही है भंडारा होता है तो 1-12 बजे तक शुरू हो जाता है, तो पब्लिक उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा होती है तो मैं नहीं आ सका, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी मैं बस ये इतना ही कहना चाहूँगा, अगली वीडियो यहाँ के बारे में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, इस मंदिर की और यहाँ के कुछ रहस्य हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी होती बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा आपको, तो फिर भाई मेरे से कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।